आज दिनांक 6 अक्टूबर को माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जिलाधिकारी मेधा रूपम प्लस अधीक्षक दीपक भूकर, जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा नागर मेला स्थल पर बैठक कर रहे थे। बैठक में जिलाधिकारी ने मंत्री को मेले का संक्षिप्त परिचय दिया। जिलाधिकारी ने मंत्री जी को मेले का संक्षिप्त परिचय दिया और बताया माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप मेले को प्लास्टिक मुक्त रखा गया। जाम न लगने की पूरी तैयारी की गई है। मेले की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। बैठक में मंत्री जी ने कहा यह पौराणिक मेला है, इसमें पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी सुरक्षा से समझौता ना करें। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, अग्नि सुरक्षा के पूरे इंतजाम होने चाहिए। 10 से 15 छोटे सिलेंडर विभिन्न स्थानों पर रखवा दिए जाएं। हमें प्रयास करना है डेंगू का कोई केस ना मिले। डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है। श्रद्धालुओं को मेले में निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध हों, कीटनाशक का छिड़काव करते रहें। जनपद के सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर दवाइयों की उपलब्धता व CHO तैनात रहें। हर ब्लॉक पर मुख्यालय पर संजीवनी के होर्डिंग लगे। जिले का कोई भी व्यक्ति आयुष्मान कार्ड से अछूता ना रहे। अस्पतालों पर डिस्प्ले लगवाए जाए। मेले में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अधिकारीगण तैयार रहे। इसके साथ साथ मंत्री जी ने मेले के गेट का फीता काटकर शुभारंभ किया। जिला प्रशासन द्वारा लगाई गई कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। बैठक में जिला अध्यक्ष रमेश राणा, मुख्य विकास अधिकारी, पुलिस क्षेत्र अधिकारी, जनरल व सेक्टर मजिस्ट्रेट, जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। रंजना शर्मा, जिला सूचना अधिकारी, हापुड़। हापुड़ से संवाददाता राजेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया स्वागत और धन्यवाद करती हूँ। माँ गंगा आपका हमेशा बनाए। जी, इसमें व्यवस्थाएँ इतनी अच्छी हैं आपकी। जैसे रास्ते 100 फीट का है और 60 फीट जो हमने रास्ते बनवाए हैं, जिससे जाम ना लगे। जितने हमारे श्रद्धालु आते हैं उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी, और सारा पूरा मेला प्लास्टिक मुक्त किया है। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनका यही आदेश है, पूरा मेला प्लास्टिक मुक्त, इस पर विशेष ध्यान दिया है। तो घाटों पे क्या व्यवस्था की गई है सर? पिछली बार में 7 घाट थे, अब की बार 12 घाट बनाए गए हैं और सारे मजबूती से पक्के। जैसे मतलब कि जो रेत था उसे बहुत अच्छे तरह से दबा रहा था, पक्का कर दिया। 12 घाट बनाए। महिला श्रद्धालु जो आती हैं उनकी चेंजिंग रूम बहुत अच्छे स्तर से बनाए गए हैं, जिससे उन्हें कपड़े बदलने में, चेंज करने में दिक्कत